डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर खत्म होने के बाद जो चैप्टर का मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो डालने का, वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। आपने देखा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हेडिंग्स मैंने लिख दिया है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है किसी भी मटेरियल का, ओके? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन मेन पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, और टू दी पॉइंट चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा, जब हमारा ये कंसेप्चुअल वीडियो का पूरा सीरीज जब फिनिश होगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब हो जाए, टाइम बाउंड नहीं देंगे, इसलिए कि भाई टाइम बाउंड देने पे पता ही नहीं चलता कि हाँ कब क्या हो जाए, कि भाई फिर बीच में रुक जाता है, तो वो तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जब हमारा कंसेप्चुअल वीडियो, ये जो हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो दे रहे हैं, जिसमें कुछ और भी कंसेप्ट होते हैं एनसीईआरटी के अलावा, वो जब सारे चैप्टर का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। ये टेस्ट सीरीज कहता हूं, एक नए वीडियो का सीरीज शुरू करूंगा बिल्कुल न्यू। वो जो होगा वो होगा एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। ये वीडियो का हमारा सीरीज का नाम होगा, उसमें हमारा 38 चैप्टर का सीरीज एकदम सिक्वेंस में निकलेगा, 1 2 3 4 चैप्टर ऐसे करके, 1 to 22 चैप्टर ऑफ प्लस 1 एंड 1 to 16 चैप्टर ऑफ प्लस 2, दो सीरीज चलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, ओके, ये चलेगा वीडियो, मतलब ये लेक्चर वीडियो शुरू होगा। तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द, मतलब महीने के अंदर में कर लेंगे, मतलब एक महीना आप मान के चलिए हमारे पास टाइम आप दे दीजिए, उसके बाद वो जो होगा आपके लिए वो रामबन होगा। और ये नीट के पहले पहले हमारा ये मिशन कंप्लीट होगा, यानी जो नीट 2021 है उसके पहले ये पूरा का पूरा मिशन फिनिश होगा, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ट, ठीक है, पूरा कंसेप्ट होगा एकदम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, ओके। तो चलिए उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसमें भी हम एनसीईआरटी का बहुत सारा पॉइंट्स टू दी पॉइंट एकदम डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पहले तो हम ये सोचें कि क्या प्लांट में कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सिस्टम है ह्यूमन की तरह? नो। क्या कोई यहां पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की तरह कोई सिस्टम है? नो। कहते हैं कि आप सोचिए कि एक कोई प्लांट है, वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और वो प्लांट के टॉप तक पहुंचाता है, क्या बिना कोई सिस्टम का? तो कहता है कि सिस्टम तो नहीं होता है, उतना डेंस सिस्टम नहीं होता है, बट कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ प्रोसेस ऐसे होगा जिसमें प्लांट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्लांट को एटीपी खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कुछ ऐसे भी प्रोसेस है देखेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई एटीपी नहीं लगेगा, कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं लगेगा, मतलब कुछ अलग से कोई, या मतलब एटीपी क्या, या एनर्जी का कोई दूसरा सोर्स, प्रोटीन की बात अभी नहीं करेगा, यानी वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी एटीपी खर्च ना हो, या एनर्जी का दूसरा फॉर्म भी कोई खर्च ना हो, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्या विदाउट कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर, एनर्जी फॉर, ठीक है, लाइक एटीपी, ठीक है, एडीपी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसमें किसी तरह के एनर्जी सेल को खर्च ना करना पड़े, प्लांट को नहीं करना पड़े, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी खर्च करना पड़े, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या उसको बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जिसमें एनर्जी खर्च करना पड़े, ऑन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ऑन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो कहता है कि यानी कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट के दो ही मीडियम हो सकते हैं, ओके। तो कहता है कि
प्लांट के सबसे पहले ही दूसरे पेज में डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये वो सब भड़प रहा है। ये सब जितने भी नाम आप सुनते हैं ना, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो हम लोग प्लांट के बारे में ही पहले सोचें कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट है वो, अब आप समझिए, ठीक है, कभी अपहिल ट्रांसपोर्ट, कभी डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, कभी नीचे से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कभी मतलब ऊपर से नीचे फूड, ऑर्गेनिक मिनरल्स, ठीक है, ये सब नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स है वो सब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब समझिए कि रूट से टॉप हिल तक पहुंचना, टिप से भोजन का, मतलब लीव्स में भोजन का बनना और उसका डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट होना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होना, ये भी तो है ट्रांसपोर्ट। ये सब कैसे होता है बिना ट्रांसपोर्ट मीडियम के, बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ये सब कैसे पॉसिबल है? तो इसी सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो कहता है एक प्लांट है, तो प्लांट में दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो कहता है प्लांट में दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये है ट्रांसपोर्ट, मतलब कितने जगह में हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है या लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उसके आधार पे एक होगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और एक होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कहता है जैसे एक सेल है, ठीक है, कोई सेल है, ठीक है, मान लीजिए सेल, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए कि और कुछ मॉर्गेनेल, यानी कि एक सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर विद इन द सेल, यानी कि विद इन द सेल, ठीक है, विद इन द सेल, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर ही, या बिटवीन द सेल, और बिटवीन द सेल, या क्या बोलेंगे, बिटवीन इनसाइड द टिश्यू, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, यानी या तो सेल के अंदर या दो सेल के बीच किसी भी चीजों का, किसी भी सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट होगा ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आएगा, ठीक है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आएगा। और कहता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, रूट से डिफरेंट सूट में, सूट के डिफरेंट पार्ट में, स्टेम में, लीफ में वाटर का जाना, मिनरल का जाना किसके थ्रू पॉसिबल है, जाइलम के थ्रू, लीफ में भोजन बना, ऑर्गेनिक मटेरियल्स बना, उसका ट्रांसपोर्ट कहां पे होना है, तो कहता है कि नीचे डिफरेंट पार्ट में, ब्रांचेस में, रूट तक उसका जाना, ये क्या कहलाएगा, ये किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा। तो कहता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल हो, चाहे ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक है, ये सब का, ठीक है, जाना, ध्यान से सुनिएगा, ये सब का जाना क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होना एक जगह दूसरे जगह, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये है लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, यानी कि लॉन्ग, ठीक है, डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्या बोलेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जांपल क्या है बोलिए, ट्रांसपोर्ट थ्रू, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा, एकदम मतलब दो डिफरेंट पार्ट में, रूट
सूट टिप, ठीक है, लीफ डिफरेंट रूट, भोजन का ट्रांसफर, सुक्रोज का ट्रांसफर, यानी कि इतना जो डिस्टेंस में जो ट्रांसफर होगा उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया होगा? तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहते हैं ये जो शॉर्ट जो डिफरेंस ये जो होता है आपको इसमें जनरली, ठीक है, जो शॉर्ट डिस्टेंसेज होता है ये डिफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है, जनरली ये डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये फिर कहता है किसके द्वारा, तो कहता है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा भी होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा भी होता है, ठीक है, स्ट्रीमिंग के द्वारा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उसके थ्रू भी होगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और कहता है कि ये इसको हो सकता है हेल्प करे, यानी सप्लीमेंटेड बाय, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी कि अब आप समझिए कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है उसको हो सकता है कि हेल्प लेना पड़े, किसका हेल्प लेना पड़े, कहता है हो सकता है उसको हेल्प लेना पड़े किसका, एटीपी का। तो बताइए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट में, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी उसको फैसिलिएट किया जा सकता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट में हेल्प लिया जा सकता है एटीपी का, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सपोर्टेड हो सकता है। बट डिफ्यूजन प्योर और प्योर क्या है, पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस का वो तरीका है, कौन, डिफ्यूजन। तो शॉर्ट टर्म में इसी के द्वारा हो सकता है, ये जो लॉन्ग टर्म डिस्टेंस है इसमें जनरली, ठीक है, कहता है पैसिव डिफ्यूजन का ही एक दूसरा रूप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और कहता है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज होते हुए देखा गया है, ठीक है, यानी कि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी धरल्ले से और डिफ्यूजन के साथ साथ ऑस्मोसिस भी, यानी इसमें तीनों चीज होगा, कहीं कहीं डिफ्यूजन भी होगा, कहीं ऑस्मोसिस भी होगा, मोस्टली या तो ये या तो ये बहुत कम, क्लियर है। और शॉर्ट टर्म डिस्टेंस डिफरेंस में, शॉर्ट टर्म ट्रांसलोकेशन में, ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, डिफ्यूजन। ट्रांसलोकेशन टर्म किसके लिए यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है, टर्म यूज फॉर ओनली, क्या बोलेंगे, ओनली ट्रांसलोकेशन टर्म यूज फॉर ओनली, क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट, क्लियर है पॉइंट। इतना चीज आपको दिमाग में रखना है, क्लियर है पॉइंट, ये बेसिक आइडिया है, तो ये तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा ये पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन आपको कल के टेस्ट सीरीज में पूछा जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसमें हमने एनसीईआरटी के ही चीज को बताया। अब देखिए एनसीईआरटी के एक बेहतरीन चीज को हम एक ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं, कहता है कि प्लांट के अंदर कितने तरह के चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, तो कहता है चार तरह के चीजों का, किसका ट्रांसपोर्ट होता है, तो किसका का इंग्लिश क्या है, हुम, ठीक है, WHOM, इसी का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इसी का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी हुम, किसका, यानी पूछेगा प्लांट में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या जाता है आपके बॉडी में, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मिनरल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, हॉर्मोन्स, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा। तो प्लांट के बॉडी में भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो लीजिए वाटर, ठीक है, प्लांट के बॉडी में भी, ठीक है, कहता है हार्मोन होते हैं,
आपके बॉडी में अगर हार्मोन है इंडोक्राइन सेक्रीशन के रूप में, तो प्लांट के बॉडी में भी हार्मोन है। कौन कौन? ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन, एफसीसी के सीड, ये सब पांचों मिलके क्या करते हैं प्लांट में? ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। इसलिए इस हार्मोन को हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर। तो बताइए, ये एच से क्या हो गया, एस से क्या हो गया, हार्मोन। एस से क्या हो गया, हार्मोन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ रेगुलेटर। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, फिर ओ से क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या भाई? ग्लूकोज। ठीक है, एमिनो एसिड्स। ठीक है, ये सब ग्लूकोज किस रूप में ये होता है ट्रांसपोर्ट? सुक्रोज के फॉर्म में। हमने आपको बताया पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में भोजन के रूप में बनता है ग्लूकोज, स्टोर होता है स्टार्च के रूप में और ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के रूप में। क्लियर है? तो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट यानी ऑर्गेनिक मटेरियल का, और कहता है एम से मिनरल। एम से क्या? मिनरल। ठीक है, मिनरल यानी हार्मोन को क्या बोलिएगा? ये लिखा हुआ ग्रोथ रेगुलेटर। यानी कि डब्ल्यू से वाटर, एच से हार्मोन यानी ग्रोथ रेगुलेटर, ओ से ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि सुक्रोज, और एम से क्या? मिनरल। ठीक है, यही चार चीज का मात्र ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट में किसका ट्रांसपोर्ट होता है? हुम। तो क्या बोलिएगा? हुम का मतलब WHOM, हुम का मतलब वाटर। ठीक है, उसके बाद हॉर्मोन्स, उसके बाद हॉर्मोन को क्या बोलिए? ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, WHOM, ओ मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स और एम का मतलब मिनरल्स। तो वाटर के साथ मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर के साथ क्या? ऑर्गेनिक मैटर के साथ क्या? हॉर्मोन्स। यानी ऑर्गेनिक मैटर और हॉर्मोन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, वो एक साथ होता है, एक तरीके से होता है, और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट एक अलग तरीके से होता है। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है यहां ये भी तो आप समझ जाइए, ठीक है, कि वाटर और मिनरल यानी शुरू वाला, ठीक है, और लास्ट वाला, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होगा। इन दोनों का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होगा। यानी कि WHOM ये जो आपका है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? W का और M का, यानी वाटर का और मिनरल का, इसका ट्रांसपोर्ट हमेशा जाइलम के द्वारा होगा। और ये जो होगा ना, इसका डायरेक्शन फिक्स है, नीचे से ऊपर, यानी यूनिडायरेक्शनल। क्या है? यूनिडायरेक्शनल। इसका है यूनिडायरेक्शनल, यानी ये जब भी होगा तो यूनिडायरेक्शनल होगा, ये होगा यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर और ये हार्मोन, इन दोनों का जब भी होगा तो बाय फ्लोएम होगा, बाय फ्लोएम होगा, और कहता है ये होगा मल्टी डायरेक्शनल। क्या होगा? ये होगा आपका मल्टी डायरेक्शनल। ये जब भी होगा मल्टी डायरेक्शनल। क्लियर है पॉइंट? यानी कि मल्टी डायरेक्शनल कौन होगा? क्या बोलेंगे? सुक्रोज का, ऑक्सीन का, साइटोकाइनिन का, जिब्रेलिन का, ये सब का होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब का क्या होगा? मल्टी डायरेक्शनल, और इसका क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल। यानी वाटर के साथ हमेशा मिनरल रहेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी वाटर और मिनरल, मिनरल आपको ऐसे भी पता है कहां पे होता है? सॉइल में। वाटर भी कहां पे होता है? सॉइल में। तो ये सब का ट्रांसपोर्ट होगा। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? तो ये जो है ये आपका बेसिक बैकग्राउंड है, और ये एनसीईआरटी के आधार पे ही बताया है। ओके, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, यानी कि ये भी आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका किसका होगा, और यूनिडायरेक्शनल क्या है और मल्टी डायरेक्शनल क्या है।
यहां तक आपको कोई दिक्कत अब आई है। अब इस बोर्ड को मैं क्लियर करता हूं अगला कंसेप्ट देने के लिए। अगला कंसेप्ट हम लोग देने जो जा रहे हैं वो आपको है पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है वैसा ट्रांसपोर्ट जो इनर्जी के कॉस्ट पे होता हो, जो एटीपी के कॉस्ट पे होता हो, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट बिना इनर्जी के होता हो, ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसमें वो हेल्प लेगा किसका, प्रोटीन मॉलिक्यूल का, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, चैनल प्रोटीन का, ठीक है, टनल प्रोटीन का, ठीक है, ये सब का लेगा। बट ठीक है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, किसी का हेल्प नहीं, इनर्जी का हेल्प तो कभी लेगा ही नहीं। क्लियर है पॉइंट? तो चले आगे। अब देखिए अब देखिए एक कंसेप्ट आपको, अब इसमें क्या है, ये जो कंसेप्ट देने जा रहे हैं कुछ मिला जुला कंसेप्ट है, यहां से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने दो ट्यूब लिया, ठीक है, यहां पे दो क्या, हम लोग तीन चार ये सब देखते हैं, क्योंकि हमें यहां पे बुक में आपको सबसे पहले डिफ्यूजन को किया गया है डिस्कस। इसको किया गया है डिफ्यूजन, ठीक है, तो डिफ्यूजन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन डिफ्यूजन के साथ साथ, ठीक है, हम ऑस्मोसिस को भी देखेंगे, ठीक है, और उसका कंसेप्ट लेंगे कि कैसे क्या होता है। ये कंसेप्ट के साथ, ठीक है, पहला वीडियो लेक्चर हमारा फिनिश होगा, तो इसको आप अच्छे से समझिए। ओके, आपने देखा होगा, आप एक बेंच पे क्लास में बैठते हैं, बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे कोचिंगों में लोहे के फ्रेम वाला बेंच होता है, ठंड का मौसम है, आप वहां पे जाके बैठिए, उस समय आपको बेंच इतना ठंडा लगेगा, ठीक है, कि आप ही जानते होंगे क्या होता होगा बॉडी में रिएक्शन। और बेंच ठंडा और आपका बॉडी 37 डिग्री टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड है आप, ठीक है, आप वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, लोहे का टेम्परेचर 8 डिग्री। टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपके बॉडी के नीचे से टेम्परेचर निकल निकल के और उसमें लोहे में जा रहा है, आपको दिमाग एकदम पूरा क्लीन हो जाता है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, डिफ्यूजन हो रहा है, किसका, टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर लेवल से लो टेम्परेचर लेवल में जा रहा है और बहुत तेज। इसलिए देखिएगा जब बैठिएगा बहुत तेज ठंडा लगेगा नीचे, धीरे धीरे आपका क्या होगा, कंट्रोल में आएगा, धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा और थोड़ी देर बाद देखिएगा, ठीक है, मतलब सेट हो गया मामला, ठीक है, यानी कि जितना दूर पे आप बैठे हुए हैं उतना दूर का बेंच भी गर्म हो गया, आपका ट्रांसफर होते 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 वो सेट हो गया। उसके बाद कोई टीचर कमीना, ठीक है, हमारे जैसे, ठीक है, बिल्कुल आएगा, उठ के जाओ उधर बैठ, आप कहे नहीं सर, सर सर नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, प्लीज सर मुझे अभी नहीं भेजो, क्यों, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। टीचर को खुद सोचना चाहिए, भाई वहां पे डिफ्यूजन हुआ है, वहां पे हीट का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम दैट बॉडी टू, ठीक है, बॉडी ऑफ आयरन बेंच, उसमें ट्रांसफर हुआ है। लकड़ी का भी होता तब भी कुछ ट्रांसफर होता, उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए ठंड में देखिएगा लोग लकड़ी का बेंच खोज खोज के बैठता है, चेयर खोज खोज के बैठेगा, ठीक है, और सर्दियों में, ठीक है, ये गर्मियों में लकड़ी पे नहीं बैठेगा, एकदम खोज के लोहा बैठेगा कि ठंडा ठंडा कूल कूल लगे, ठीक है, तो ये भी होता है। तो ये सब क्या है, ट्रांसफर का मामला है, ठीक है, ये सब ट्रांसफर का मामला है। तो वो क्या है, डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन, क्या वहां पे आपके बॉडी से जो हीट डिफ्यूज करके जो गया है नीचे, क्या उसमें कोई एनर्जी खर्च हुई, कुछ नहीं, अरे हाई टेम्परेचर डिफरेंस था, ग्रेडियंट था, यानी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ट्रांसफर हो गया। या ऐसे भी देखिए ना कि अभी हमने यहां पे ये क्या कर रखा है, ये जैकेट पहन रखा है, ठीक है, कभी कभी हम लोई वगैरह भी ले लेते हैं ऊपर से ढक लेते हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअली में,
इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अभी सर्दियों में 10 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, और हमारे बॉडी का 37 डिग्री, तो ये टेम्परेचर तो लूज होगा। इसी टेम्परेचर को बचाने के लिए कि भाई हमारे बॉडी के पास ही रहे, हम लोग क्या करते हैं, लोई ओढ़ लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, मोजे पहनते हैं, तीन तीन चार चार चीजें पहनते हैं। अभी भी देखिए, ठीक है, एक यहाँ पे अंदर, ये देखिए दूसरा, तीसरा, थोड़ी देर बाद वो भी ले लेंगे, रजाई ले लेंगे। सब हीट बचाने का तरीका है कि डिफ्यूजन ना हो, और नेचर कहती है डिफ्यूजन तो होगा भाई, क्यों, डिफरेंस जो है, ठीक है, तो डिफरेंस होगा तो डिफ्यूजन होगा। डिफरेंस जो वर्ड है ना, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट, ठीक है। तो जहां ग्रेडियंट होगा वहां पे डिफ्यूजन होगा, मैंने पहले वीडियो में भी बताया, ठीक है, किसी भी चीज का हो, ठीक है। मान लीजिए पानी पे, अब पाइप के अंदर, मान लीजिए एक पाइप आपने बंद करके रखा है, ठीक है, पाइप का जो टिप है उसमें पानी भरा, उधर से पानी आ भी रहा है, आप उसको ये नहीं करते, थोड़ा सा भी खोलिएगा पूरा पानी तेज फोर्स के साथ बहेगा, ठीक है, तो वो क्या है, डिफ्यूजन ही तो है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है, ठीक है, यहां पे एनर्जी लग नहीं रही है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, परमिबिलिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन चार चीजों पे डिपेंड करता है, यह मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, लेकिन पहले आप थोड़ा दूसरा कंसेप्ट लीजिए, ए बी सी डी, ठीक है, ये चारों का कंसेप्ट लीजिए। देखिए ए और बी पे अभी गौर कीजिए, इसमें हमने क्या किया, 5 लीटर वाटर है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, इसमें भी 5 लीटर वाटर है, ठीक है, 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर दोनों में, यहां पे क्या है, 10 ग्राम, ठीक है, चीनी लीजिए, हिंदी में लिखते हैं चीनी, थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, यहां पे, ठीक है, 20 ग्राम चीनी, ठीक है जी, ठीक है, थोड़ा हिंदी में लिख दिया तो आपको अपना पन जैसा लगे, अरे यार ये हिंदी में ही चल रहा है, ठीक है, तो 10 ग्राम चीनी, 20 ग्राम, दोनों में वाटर बराबर है, वाटर बराबर है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है, ये दोनों ट्यूब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, कौन से मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों के दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये बीच, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, यहां पे 5 लीटर, यहां पे 5 लीटर। हम अगर अभी पूछेंगे ना कि किसमें वाटर ज्यादा है, आप कहिएगा कि ये हमारा टीचर पागल हो गया है, ये अंधा है क्या, चश्मा लगाने के बावजूद भी, दोनों में तो 5-5 लीटर है, बिल्कुल सही है, आप भी सही हैं और हम भी पगलाए नहीं हैं। बट हम बोलेंगे क्या, यहां पे जरा देखिए, मतलब वाटर का वॉल्यूम तो सेम है बट पोटेंशियल में डिफरेंस है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। मेरे जैसा ही हट्टा कट्टा एक बंदे को यहां पे खड़ा कर दीजिए, दोनों के पोटेंशियल में अंतर क्या होगा, हम 1 किलोमीटर भागेंगे 5 मिनट में, वो 1 किलोमीटर भागेगा 20 मिनट में, बताइए किसका पोटेंशियल ज्यादा है, मेरा, उसका पोटेंशियल कम है, वेट दोनों का बराबर है, वॉल्यूम दोनों का बराबर है, सब कुछ देखने से सब कुछ बराबर है, एज फेज सब कुछ बराबर है, तो ये हुआ पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में अगर 5 बच्चा मात्र बैठा हुआ है 5 बेंच पे, तो हम इजिली उस क्लास में घूम सकते हैं, और उसी वॉल्यूम के क्लास में, सेम वॉल्यूम वाले क्लास में अगर 20 बेंच रखा हुआ है, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम इजिली घूम नहीं सकते हैं। दिमाग में आ गई बात, आ गई बात, तो बताइए, कहता है कि यहां पे मात्र 10 ग्राम चीनी है और यहां पे कितना चीनी है, 20 ग्राम। यहां पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वो वाटर का मॉलिक्यूल इजिली मूव करेगा, उसके लिए फ्री स्पेस ज्यादा है,
उसके लिए फ्री एनर्जी ज्यादा है, तो फ्री एनर्जी ज्यादा है, फ्री स्पेस ज्यादा है, तो उसके मूवमेंट करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। यानी कि इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है? इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहां पे होगा हाई वाटर पोटेंशियल, यहां पे होगा हाई वाटर पोटेंशियल, यहां पे होगा हाई वाटर पोटेंशियल, ओके, यहां पे होगा हाई वाटर पोटेंशियल। इसके कंपैरिजन में ये जान जाइए यहां पे क्या होगा, बोलिए, लो वाटर पोटेंशियल। लो वाटर पोटेंशियल, ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट हमने आपको दिया है, एक एग्जांपल दिया है, तो इसको ध्यान समझिए, एकदम पूरी क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका एकदम ऑटो पे आ जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा ये मैं क्या बताने जा रहा हूं। यहां पे देखिए, ये क्लासरूम 20 बेंच वाला बात और ये क्लासरूम 10 बेंच वाला बात। ये वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली, यानी टीचर कहां पे घूमेगा फ्रीली, यहां पे घूमेगा जहां पे कम ये है कंसंट्रेशन, और यहां पे ज्यादा है तो दिक्कत से घूमेगा। यानी कि इसके यहां पे वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट करने की कैपेसिटी कम है, फ्री स्पेस कम है, फ्री एनर्जी कम है, तो मूवमेंट करने की क्षमता भी क्या है, कम है। क्लियर है? तो यहां पे लो वाटर पोटेंशियल कर दिए और यहां पे क्या कर दिए, हाई वाटर पोटेंशियल यहां पे, ठीक है? क्योंकि यहां पे अवरोध जो है वो कम है, ठीक है, बेंचेस कम है, बच्चे कम है, चीनी कम है, तो यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। ये बात समझ गए? अब आइए, आप जानते हैं बचपन से पढ़े, कोई सॉल्वेंट अगर है, कोई सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूशन अगर है, तो सॉल्यूशन में आपने दो चीज तो पढ़ा ही है, एक सॉल्वेंट पढ़ा है और एक सॉल्यूट पढ़ा है। एक क्या पढ़ा है, सॉल्यूट, और एक क्या पढ़ा है, ठीक है, सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट वैसा मीडियम जिसमें कोई चीज घुला हुआ है, यानी किसी चीज को अपने में घुलाने वाला जो मीडियम है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो घुला हुआ है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और ये भी जानिए, सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होती है सॉल्वेंट से। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अब आप समझिए, ठीक है, कि ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन कई तरह के होंगे, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बट ये जानिए कि मेम्ब्रेन जो बार बार जो बोलते हैं, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन चार तरह के होते हैं, ठीक है? तो देखिए यहां पे ये मेम्ब्रेन चार तरह के होते हैं, मैं यहां पे बताने जा रहा हूं चार तरह के कौन कौन, ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार मेम्ब्रेन में बताने जा रहा हूं और चारों आपके होठों पे अभी क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूट भी पास कर जाए, सॉल्वेंट भी पास कर जाए, सॉल्यूट भी पास करे और सॉल्वेंट भी पास करे, ऐसे मेम्ब्रेन को बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्वेंट तो पास कर जाए, सॉल्वेंट पास कर जाए बट सॉल्यूट पास ना करे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहता है। तीसरा, ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्वेंट पास कर जाए बट सॉल्यूट जो है सेलेक्टेड सॉल्यूट पास करे, तो इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक ऐसा हो जिससे ना ये पास करे ना ये पास करे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो परमिएबल में दोनों चीज पास करेगा, सेमी परमिएबल में क्या पास करेगा? सिर्फ सॉल्वेंट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और उधर सेलेक्टिवली परमिएबल में सेलेक्टेड सॉल्यूट, सारे सॉल्यूट नहीं, और सॉल्वेंट तो पूरा, और इम्परमिएबल दोनों में कोई नहीं। इसको अभी, इस कंसेप्ट को अच्छे से संभाल के रखिए, अभी अप्लाई होगा, इसे मैंने पहले बता दिया। अब आप आइए इधर, फिर से
अब बताइए इधर जिसको छोड़ के आगे उधर गए थे, ये बताइए कि सॉल्यूट इसमें कौन है, चीनी, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉल्यूट क्या है, चीनी है। तो बताइए अगर हम सॉल्यूट को सिर्फ अभी कल से देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, यहां सॉल्यूट को देखना है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाइएगा नहीं, यानी कि यहां अगर सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से कोई जुड़ा हुआ है तो बताइए ट्रांसपोर्ट किसका होगा, ट्रांसपोर्ट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का, हमें सॉल्यूट के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, कि सॉल्यूट का यहां पे ट्रांसपोर्ट होगा, नो नो नो, यहां पे हम सिर्फ किसका सोचेंगे, सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट ये सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन हमने बीच में ले लिया है, उससे तो सॉल्वेंट ही पास हो सकता है, सॉल्यूट तो पास ही नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम, तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा तो क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम तो हाइपोटोनिक, यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा तो हाइपरटोनिक, यानी कि सॉल्यूट ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट यहां पे 20 ग्राम सॉल्यूट ज्यादा तो वाटर का पोटेंशियल कम, सॉल्यूट कम तो वाटर का पोटेंशियल ज्यादा। अब देखिए कहता है कि यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ठीक कहता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल का चिन्ह साइन, और यहां पे आ गया क्या डब्ल्यू, ये क्या हो गया वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल ठीक है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल, क्या बोलेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी कि साई एस, क्लियर है पॉइंट, साई एस बोलिए ये हमारा क्या है वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी सॉल्यूट ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल कम, सॉल्यूट कम तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा, क्लियर है पॉइंट, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपर और हाइपो जो टर्म है ना ये सॉल्वेंट के ऊपर नहीं है, ये सॉल्यूट के ऊपर है, किसके ऊपर है सॉल्यूट के ऊपर है, क्लियर है, ये सॉल्यूट के ऊपर टर्म है, सॉल्वेंट के ऊपर नहीं है। तो हाइपरटोनिक, टोन, टोन मतलब होता है नंबर, नंबर ऑफ सॉल्यूट, जहां नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है हाइपरटोनिक, और नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो बताइए क्या है, ठीक है, वाटर का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, यानी कि बेंच का संख्या ज्यादा है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, टीचर के घूमने का जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लो वाटर पोटेंशियल, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ठीक है हाई वाटर पोटेंशियल, यानी कि बताइए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाई वाटर पोटेंशियल, तो बताइए अभी दोनों को जोड़ देंगे तो पानी किधर से किधर जाएगा, पानी ही जाना है, क्यों, ये क्या है भाई, ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, तो पानी जाएगा इस ए से बी में, इसी प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस, अब दिमाग में आ गया आपको ऑस्मोसिस, क्लियर हो गया, यानी ऑस्मोसिस ठीक है इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, दो तरह से बोलेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर है, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन, यहां पे देखिए व्हेन ठीक है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है ब्रैकेट में वाटर अकर्स फ्रॉम
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और फ्रॉम क्या बोलेंगे, हाई वाटर पोटेंशियल टू, हाई वाटर पोटेंशियल टू, बोलिए लो वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन कंडीशन इज कॉल्ड, कंडीशन इज कॉल्ड, बोलिए ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, क्लियर हो गया पॉइंट, बोलिए ऑस्मोसिस का मतलब, यानी सीधा सीधी अगर हमें कोई पूछे कि ऑस्मोसिस का मतलब, तो सीधे हम लोग बोलेंगे हाइपो टू हाइपर, हाइपो टू हाइपर, ऑस्मोसिस का मतलब हाइपो टू हाइपर, क्लियर है पॉइंट, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आपको एग्जांपल दे, आपको समुद्र में तैरने के लिए बोल दिया जाए, समुद्र का पानी नमकीन होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, वो ज्यादा हाइपरटोनिक है, तो बताइए अगर आप समुद्र में जाइएगा तो क्या होगा, ठीक है, ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक टर्म क्या है, कॉम्पेरेटिव है, ये अपने आप में एक सॉल्यूशन हम रख देंगे, पूछेंगे ये हाइपोटोनिक है हाइपरटोनिक, आप कुछ भी बोलिएगा बेवकूफ बनिएगा, सुपर बेवकूफ, ठीक है, वो नहीं होगा, दो सॉल्यूशन रखेगा तब उसके कंपैरिजन में एक होगा हाइपो एक होगा हाइपर, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, यानी हाइपो हाइपर में ये कहानी होती है, यानी ये कंपैरेटिव टर्म है, ठीक है, एक सॉल्यूशन को आप नहीं बता सकते कभी हाइपो या हाइपर। तो अगर आप समुद्र के पानी में घुसते हैं तो समुद्र का पानी क्या हो गया, हाइपरटोनिक, आपके बॉडी का पानी क्या हो गया, हाइपोटोनिक, तो बताइए ऑस्मोसिस तो वहां शुरू हो जाएगा, यानी हाइपो से हाइपर, यानी आपके बॉडी से पानी निकल के कहां चला जाएगा, समुद्र में, और आपका बॉडी चिपकना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, छोड़िए वो तो बहुत दूर की बात है कि आप समुद्र में गए या ना गए, को बहुत कहिएगा समुद्र में, बगल वाले नदी में तो गए नहीं है, तालाब में माँ बाप जाने नहीं देता है, आप समुद्र की बात करते हो, ठीक है, तो चलिए घर में आपने कपड़े तो साफ किए होंगे, डिटर्जेंट तो घोला होगा, डिटर्जेंट घोलिए, दो चार दस कपड़े साफ कीजिए, मम्मी के साथ लगे रहिए, देखिएगा सब कुछ सुखाते सुखाते लास्ट देखिएगा कुछ ये हुआ कि आपका जो हाथ है ना सिकुड़ गया, हाथ एकदम सिकुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा, गोरा चिट्टा हो जाएगा और सिकुड़ भी जाएगा, क्यों, क्योंकि जो डिटर्जेंट का घोल आपने घोला वो क्या था, हाइपरटोनिक, और उसमें हाथ बहुत देर तक रखे तो पानी निकल निकल के चला गया, हाइपो से हाइपर सिकुड़ गया, ठीक है, तो जो पानी निकल के आपके बॉडी से गया, किसी सेल से अगर पानी निकल जाया जाए, मान ले कोई सेल है किसी को हाइपरटोनिक मीडियम में डाल दिए, इसका मतलब उस सेल क्या हो गया, हाइपोटोनिक, अपने आप समझ जाना है, किसी को अगर हाइपरटोनिक में डालिएगा इसका मतलब उसके कंपैरिजन में उस सेल क्या है, हाइपोटोनिक, पानी वहां से क्या होगा, निकलना शुरू हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, एक्स ऑस्मोसिस, और जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है, कहता है कि अगर किसी हाइपरटोनिक सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो हाइपरटोनिक सेल को हमने हाइपो में डाला, तो उस सेल है हाइपरटोनिक, डाला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो बताइए अभी भी पानी तो वही आएगा, हाइपो से हाइपर, यानी हाइपो यानी सराउंडिंग मीडियम से पानी उस सेल के अंदर आएगा, इसको क्या बोलेंगे, एंड ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस अगर किसी सेल में हो रहा है, यानी ऑस्मोसिस के द्वारा पानी आ रहा है, सेल बर्दाश्त करते 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 ब्लास्ट, ओके, ठीक है, और अगर पानी निकल रहा है, एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है, तो बताए एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी निकलते 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 सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, तो एनिमल का सेल होगा तो श्रिंक आप यूज करना ये टर्म, लेकिन प्लांट का सेल होगा तो उसके लिए जो आप यूज करोगे वो टर्म होगा प्लाज्मोलाइसिस, यानी कंटिन्यूअस एक्सोस्मोसिस का रिजल्ट क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस, क्लियर है पॉइंट, यानी कंटिन्यूअस एक्सोस्मोसिस का रिजल्ट क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल, ठीक है,
और कंटिन्यूअस एंड ऑस्मोसिस का रिजल्ट चाहे प्लांट से लो चाहे एनिमल से लो, क्या होगा? ब्लास्टिंग। ओके, तो इसी के साथ आपको अगला वीडियो लेक्चर देंगे, यानी इस वीडियो लेक्चर में हमने बैकग्राउंड, जो एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है ट्रांसपोर्ट इन वाटर का, वो समझाने की कोशिश किया, प्लस ऑस्मोसिस के बारे में हर कुछ आपको बता दिया। ये ऑस्मोसिस टर्म, ठीक है, एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, उसका नाम है नॉलेट, नॉलेट नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया ऑस्मोसिस। और मैंने पहले ही बता दिया है लेक्चर में स्टार्टिंग में, ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ पैसिव प्रोसेस, अकर्स विदाउट एनी टाइप ऑफ हेल्प ऑफ एटीपी, किसी भी एटीपी का हेल्प नहीं लिया जाता। तो क्यों होता है ये आप समझ गए, और ये क्या बोलिए, ये क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? नो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कैसे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? यहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लेकिन मूवमेंट किसका हो रहा है? वाटर का। इसलिए दिमाग में रखिएगा, यानी आज का जो कंक्लूडिंग नोट है वो इस पे छोड़ते हैं कि ऑस्मोसिस हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही होगा, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होगा, विदाउट एटीपी ही होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी कि वो कंसेप्ट भी आ गया कि कहीं अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, सॉल्यूट की मात्रा कम होगी तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, मींस साई डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय साई एस। क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में ये जो दो जो वैकेंट खाली जो छोड़ के चल रहे हैं, इसमें आपको समझाएंगे डिफ्यूजन। क्या समझाएंगे? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में बहुत सारा पॉइंट होगा, फिर डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। कल एग्जाम है, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा आगे अपने से पढ़ लीजिए। मैं बहुत ज्यादा तीन वीडियो, चार वीडियो, चौथा वीडियो बना चुका हूं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा कि आगे का वीडियो मैं अभी नहीं बना पा रहा हूं। ठीक है, आप लोग प्लीज पढ़ के एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।